जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आगे 51 रनों पर ढेर हुआ नीदरलैंड। हरीश रऊफ ने तोड़ा बल्लेबाज का चेहरा। क्या है पूरी खबर वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के तहत रविवार को दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड 51 रनों पर ढेर हो गया। इस मैच में पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने नीदरलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। पारी के 6वें ओवर में हरीश रऊफ ने बल्लेबाज लीड का चेहरा फोड़ दिया। उनके चेहरे पर 142 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल लगी तो खून निकलने लगा। वहीं नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 51 रन बनाए थे। वहीं पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 92 रन बनाने की ज़रूरत थी। पाकिस्तान के लिए शादाब खान ने 3 विकेट, वसीम जूनियर ने 2 विकेट लिए और एक एक विकेट शाहीन अफरीदी और हरीश रऊफ, नसीम शाह को भी मिला और पाकिस्तान ने इस मैच को 14 ओवर में ही जीत लिया। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।